इसमें कोई शक नहीं कि महाभारत काल में पृथ्वी लोक पर देवताओं से भी ज्यादा ताकत रखने वाले योद्धा मौजूद थे। इसलिए जब महाभारत का युद्ध हुआ तो कौरव और पांडव दोनों ही पक्षों के लिए इस तरह के योद्धाओं का वध करना लगभग नामुमकिन सा हो गया। इसलिए जिसे धर्म युद्ध कहा जा रहा था उसी को जीतने के लिए भगवान श्री कृष्ण को छल और कपट का सहारा करना पड़ा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अगर ऐसा न करते तो कौरवों के महारथी योद्धाओं जैसे कर्ण, पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य आदि को मारना लगभग नामुमकिन था, और अगर वो न मरते तो महाभारत के युद्ध में पांडवों का जीतना भी नामुमकिन था। लेकिन सच्चाई के लिए लड़ने के बावजूद भगवान श्री कृष्ण को छल क्यों करना पड़ा, और आखिर वो कौन योद्धा थे जिन्हें छल से मारा गया? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको महाभारत के युद्ध में छल यानी धोखे से मारे गए 5 योद्धाओं के नाम बताऊंगा जिनकी शक्तियां देवताओं से भी बढ़कर थी और जिन्हें भगवान से वरदान प्राप्त थे। आप देख रहे हैं मिस्ट्री ऑफ गॉड यूट्यूब चैनल। ऐसे वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। महाभारत के युद्ध में जब श्री कृष्ण अर्जुन का रथ लेकर पहुंचे तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, गौर से देख लो, ये जो तुम्हारे प्रतिद्वंदी हैं वो इस युग के सबसे महान और पराक्रमी योद्धा हैं, जो इस युद्ध के बाद शायद ही देखने को मिलेंगे, और आने वाले युगों में ऐसे योद्धा फिर जन्म भी नहीं लेंगे। भगवान श्री कृष्ण की इस बात से ही महाभारत के महायुद्ध की भयानकता का अंदाजा लग सकता है। कई धर्म ग्रंथों में मिले आंकड़ों के अनुसार महाभारत के युद्ध में करोड़ों सैनिकों और हजारों महारथी योद्धाओं ने भाग लिया था, जिनके अस्त्रों की टंकार से धरती कांप जाती थी। आज तो इस महायुद्ध को कई हजार सालों से भी ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन कहते हैं आज भी कुरुक्षेत्र की जमीन योद्धाओं के लहू को पीकर लाल है। धर्म और अधर्म के इस युद्ध में धर्म की जीत के लिए कई महायोद्धाओं को छल पूर्वक और कईयों को युद्ध के नियम के विरुद्ध जाकर मार डाला गया, क्योंकि ये सभी योद्धा लगभग अमर थे। यानी अगर महाभारत के युद्ध में पांडवों की ओर से भगवान श्री कृष्ण न होते तो धरती पर इन महान योद्धाओं का अंत करना नामुमकिन था। इन महारथी योद्धाओं में सबसे पहला नाम भीष्म पितामह का आता है, जो महाभारत काल के सबसे बुजुर्ग पर सबसे ज्यादा तजुर्बे वाले और शक्तिशाली योद्धा थे, जिन्होंने एक समय पर श्री कृष्ण के बेटे सांब को भी धनुर्विद्या में हराया था। भीष्म पितामह को ज्ञान भी काफी ज्यादा था, उन्हें धर्म बौद्ध की काफी ज्यादा समझ थी। इसके बावजूद हस्तिनापुर को लेकर अपने कर्तव्य के कारण वह हमेशा दुर्योधन के अधर्मों से उसका मौन यानी चुप रहकर साथ देते रहे। भीष्म पितामह चाहते तो दुर्योधन को रोक सकते थे, लेकिन हमेशा उन्हें चुप रहना चुना, और यही भीष्म पितामह की सबसे बड़ी गलती थी जो उन्हें महाभारत के युद्ध में मौत के पास ले गई। लेकिन महाभारत के युद्ध में इनका वध लगभग नामुमकिन था, और जब तक भीष्म पितामह युद्ध में खड़े थे पांडव का जीतना भी नामुमकिन था, क्योंकि भीष्म कौरवों के सेनापति के तौर पर उनके ढाल बने हुए थे। 18 दिन तक चले इस युद्ध में भीष्म अकेले ही 10 दिनों तक पांडवों की सेना का संहार करते रहे। ऐसी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण की सलाह से अर्जुन ने अपने रथ पर शिखंडी को खड़ा किया। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली थी कि वे कभी भी किसी स्त्री या अपुरुष पर अस्त्र शस्त्र नहीं चलाएंगे, जिसके कारण भीष्म पितामह को अपने धनुष को त्यागना पड़ा, और इसी मौके का फायदा उठाते हुए भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने भीष्म पितामह के पूरे शरीर को तीरों से भेद दिया। लेकिन इस वक्त तक भी भीष्म पितामह की मृत्यु नहीं हुई थी, क्योंकि इन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। पर क्योंकि अब अर्जुन के बाण भीष्म पितामह के पूरे शरीर को भेद चुके थे, इसलिए वह युद्ध नहीं कर सके। वह युद्ध के अंत में कौरवों की हार को देखते हुए उन्होंने अपनी इच्छा से ही अपना शरीर त्यागा। दूसरे महारथी जिन्हें छल से मारा गया वो थे द्रोणाचार्य। अब द्रोणाचार्य कितने शक्तिशाली थे इसका अंदाजा तो आप इसी से लगा सकते हैं कि वे पूरे महाभारत में जो बड़े से बड़े महारथी थे उनकी शिक्षा द्रोणाचार्य के द्वारा ही दी गई थी। यहां तक कि अर्जुन और कर्ण की शक्तियों को जो आज हम गुणगान करते हैं उन्हें भी शिक्षा देने वाले द्रोणाचार्य ही थे, जो कि अपने पुत्र अश्वत्थामा के कारण दुर्योधन के साथ खड़े थे। और जब तक द्रोणाचार्य युद्ध में खड़े थे उन्हें पांडवों की सेना को तहस नहस कर दिया था और कई योद्धाओं की जान ले ली थी। इन्हें भी केवल तभी मारा जा सकता था जब ये अपने धनुष को त्याग दें, पर कोई योद्धा अपने हथियार को कैसे त्याग सकता है? इसका केवल एक ही उपाय था, और वो था एक ऐसा दुख जिसके बाद योद्धा को लड़ने का कोई महत्व ही दिखाई न दे। और भगवान श्री कृष्ण ने इसी बात का फायदा उठाया। पहले तो श्री कृष्ण के कहने पर भीम ने अश्वत्थामा नाम के हाथी का वध किया। उसके बाद श्री कृष्ण ने पांडवों को द्रोणाचार्य से झूठ बोलने के लिए कहा कि उनका बेटा अश्वत्थामा मारा गया है। द्रोणाचार्य अश्वत्थामा से काफी ज्यादा प्रेम करते थे,
और जैसे कि मैंने बताया कि उनका युद्ध करने का कारण भी अश्वत्थामा ही था, पर अश्वत्थामा भी कोई साधारण इंसान नहीं था, उसे मारना भी लगभग असंभव था। इसलिए शुरू में द्रोणाचार्य ने पांडव की बात पर यकीन नहीं किया। द्रोणाचार्य ने श्री कृष्ण की बात को भी नहीं माना, जिसके बाद जब युधिष्ठिर ने द्रोणाचार्य से कहा कि अश्वत्थामा की मौत हो चुकी है, तब द्रोणाचार्य को यकीन हुआ, क्योंकि द्रोणाचार्य जानते थे कि पांडव पुत्र युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोल सकता। इसलिए उन्होंने शोक मनाते हुए अपना धनुष छोड़ दिया और इसी मौके का फायदा उठाते हुए द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का वध कर दिया। महाभारत का तीसरा योद्धा जिसे छल से मारा गया था, उसका नाम था जयद्रथ। यह दुर्योधन का जीजा था और इसी की रणनीति के कारण अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का वध कौरवों ने मिलकर किया था। और अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी, अगले दिन युद्ध में सूर्यास्त तक जयद्रथ का वध कर देंगे, नहीं तो स्वयं अग्नि समाधि ले लेंगे। कौरवों की पूरी सेना उस दिन जयद्रथ की सुरक्षा में लग गई, क्योंकि कौरव जानते थे कि अगर आज उन्होंने जयद्रथ की रक्षा कर ली तो अर्जुन शाम को समाधि ले लेंगे और उनके बाद उनका सबसे बड़ा शत्रु महाभारत के युद्ध से समाप्त हो जाएगा। इसलिए जब कौरवों ने जयद्रथ के चारों ओर बड़े बड़े महारथियों को खड़ा कर दिया तो अर्जुन के लिए जयद्रथ का वध करना लगभग नामुमकिन हो गया। जयद्रथ को बस रात का इंतजार था और भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि जब जयद्रथ को मारने का एक ही तरीका है और वह है समय से पहले सूर्यास्त। और भगवान श्री कृष्ण ने यही किया, उन्होंने सूर्यदेव को अपनी माया से ढक दिया जिससे अंधेरा छा गया। जयद्रथ ने यह समझा कि शाम हो चुकी है और वह अर्जुन के सामने स्वयं चलकर आ गया और जोर जोर से हंसने लगा। उसने सोचा कि अब अर्जुन की प्रतिज्ञा टूट चुकी है और अब अर्जुन स्वयं आग में जलकर भस्म हो जाएगा। तभी भगवान श्री कृष्ण ने अपने मायाजाल को तोड़ दिया और एकदम सूर्य आसमान में चमकने लगा। सूर्य को आसमान में देखकर जयद्रथ घबरा गया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने तभी अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, धनुष उठाओ। और श्री कृष्ण के ऐसा कहते ही अर्जुन ने एक पल की देरी न करते हुए अपना धनुष उठाया और जयद्रथ पर बाण की बौछार कर दी, जिस तरह से जयद्रथ मारा गया। अगर पूरे महाभारत में किसी के साथ सबसे ज्यादा धोखा हुआ है तो वो कर्ण है। कर्ण को बचपन से किसी तरह का कोई सम्मान नहीं मिला, इसलिए जब दुर्योधन ने उसे अंगराज बनाया तो पहली बार किसी से कर्ण का सामना हुआ, जिसके कारण कर्ण और दुर्योधन कैसे दोस्त बने, जिसमें हमेशा दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया। कर्ण हमेशा दुर्योधन की ढाल बनकर उसके आगे खड़ा रहा। दुर्योधन को कर्ण के अलावा किसी और पर भरोसा ही नहीं था। वह जानता था कि जब तक कर्ण उसकी ओर खड़ा है, दुर्योधन को कोई छू भी नहीं सकता। शायद इसीलिए कर्ण ने भले ही कौरवों की ओर से युद्ध में भाग लिया, लेकिन उसके लिए सभी के मन में एक सम्मान था। अगर महाभारत के युद्ध में सच में किसी योद्धा को अमर कहा जा सकता है तो वह कर्ण ही था, क्योंकि कर्ण के पास भगवान सूर्य और चंद्रदेव के कवच और कुंडल थे, जिसके होते हुए दुनिया का कोई भी शस्त्र कर्ण के शरीर को भेद नहीं सकता था। कर्ण एक सच्चा मित्र होने के साथ साथ एक दानवीर भी था और इसी बात का फायदा उठाकर भगवान श्री कृष्ण ने योजना बनाई और कर्ण के कवच और कुंडल को छल पूर्वक अर्जुन के पिता इंद्र द्वारा कर्ण से दान में मांग लिया गया। कर्ण को पता था ये कवच और कुंडल उसकी जान की रक्षा करते हैं, लेकिन इसके बावजूद उसने बेझिझक अपने कवच और कुंडल को इंद्रदेव को दे दिया। कवच और कुंडल न होने के बावजूद भी कर्ण को हरा पाना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि वह अर्जुन से भी ज्यादा शक्तिशाली योद्धा था और उसके पास अभी भी भगवान परशुराम द्वारा दिया गया शिव का विजय धनुष था। यह धनुष जिस भी योद्धा के हाथ में होता था उस योद्धा को चारों तरफ एक ऐसा भेद घेरा बनाता था जिसे भगवान शिव का पशुपतास्त्र भी भेद नहीं सकता था। जब तक कि उसके हाथ में धनुष था तब तक कर्ण को महाभारत में मारा नहीं जा सकता था। इसलिए यहां पर भी भगवान श्री कृष्ण ने एक रणनीति बनाई और धोखे से कर्ण के रथ को एक ऐसी जगह ले गई जहां की मिट्टी में कर्ण का रथ फंस गया। जैसे ही कर्ण अपने रथ का पहिया निकालने के लिए नीचे उतरा, तभी श्री कृष्ण ने अर्जुन को निहत्थे कर्ण पर तीर चलाने का आदेश दिया। अर्जुन तीर चलाना नहीं चाहता था, लेकिन वो भी ये जानता था कि अगर कर्ण को इस वक्त न मारा गया तो उसका वध करना नामुमकिन है और जब तक कर्ण खड़ा है तब तक दुर्योधन का वध भी नामुमकिन होगा। इसलिए अर्जुन को न चाहते हुए भी धोखे से कर्ण की जान लेनी पड़ी और इस बात से ये साबित हो गया कि अपने कवच और कुंडल के बिना भी कर्ण अर्जुन से कहीं ज्यादा शक्तिशाली योद्धा था। आखिर ऐसा योद्धा जिसको धोखे से मारा गया वो दुर्योधन था। अब दुर्योधन को धोखे से मारना सही है या गलत ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन दुर्योधन ने जितने पाप किए हैं उसकी सजा तो उसे मिलनी ही चाहिए थी। लेकिन दुर्योधन जितना बलशाली था उसका वध करना काफी मुश्किल था, और खासकर जब दुर्योधन की मां गांधारी ने सालों पुरानी आंखों की पट्टी हटाकर दुर्योधन के शरीर को पत्थर का बना दिया था तो उसे अब मारना लगभग नामुमकिन हो चुका था। जिसके कारण जब दुर्योधन और भीम के बीच में गदा युद्ध हुआ तो भीम की हालत काफी खराब हो गई थी
और भीम को लगने लगा था कि अब दुर्योधन उसकी जान ले लेगा, लेकिन दुर्योधन को मार पाना भीम के बस की बात नहीं थी। तभी भगवान श्री कृष्ण ने इशारे से भीम को बताया कि पहले ही दुर्योधन का पूरा शरीर पत्थर का बन गया है, लेकिन उसके कमर के नीचे का हिस्सा भी कमजोर है और वहां पर अगर वार किया जाए तो दुर्योधन की जान ली जा सकती है। जिसके बाद भीम ने श्री कृष्ण की बात मानते हुए दुर्योधन की कमर से नीचे के हिस्से पर प्रहार किए और नियमों के विरुद्ध जाकर उसके दुर्योधन की जांघ तोड़ दी और इसी के चलते दुर्योधन की मौत हुई। दोस्तों, आशा करता हूं आज की इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं और आप मिस्ट्री ऑफ गॉड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।